हाय माय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूं। इसे सीखना बहुत ही आसान है। डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आसानी से करने के लिए आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसे आप लोग याद कर लेंगे। एम एम आर मतलब मल्टीप्लिकेशन मूव राइट। तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, MMR मल्टीप्लिकेशन मूव राइट। तो देखिए कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मान लीजिए हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है 2.35 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 1 के आगे 1 0 है, तो डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड मूव करवाना है। 2, 3, 5 जितने डिजिट है उतने को लिख ले, फिर जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट राइट साइड मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2.35 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स, तो 2.35 मैंने लिख लिया एंड यहाँ पे दो जीरो है तो दो डिजिट मूव करवाना है। 1, 2 पहले 2 और 3 के बीच में था तो दो डिजिट राइट साइड मूव करवाना है। 1, 2 उसका डेसिमल पॉइंट डाल दें। अब इसके आगे आप चाहे तो जीरो डाल भी सकते हैं, यदि आपकी इच्छा ना हो तो बिना डेसिमल पॉइंट के भी लिख सकते हैं 235। तीसरा एग्जांपल देखिए, 8, 2, 3 डेसिमल पॉइंट 4, 5, 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। तो यहाँ पे 4 0 है, 1, 2, 3, 4 चार डिजिट मूव करवाना होगा। तो पहले सारे डिजिट्स को आप लिख ले, 8, 2, 3, 4, 5, 1, 6। तो पहले 3 और 4 के बीच में था तो 4 0 है, इसलिए 4 डिजिट मूव करवाएंगे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे डेसिमल डाल देना है। तो ये आपका आंसर रहा। और देखिए, 8, 2, 3.45, 1, 6, 8, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका कैसे करेंगे, तो सारे डिजिट्स को पहले लिख लेंगे बिना डेसिमल पॉइंट दिए हुए, 8, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 8, 9 और यहाँ पे 3 0 है। तो पहले 3 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट था, इसलिए 3 डिजिट आगे की तरफ मूव करवाना है। पहले यहाँ था, यहाँ से 1, 2, 3 मूव करवा दिए और ये आंसर आ गया। और देखिए, 9, 6, 4, 5 डेसिमल पॉइंट 2, 3, 8 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। तो इसमें डेसिमल पॉइंट को आप लोग गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और बिना डेसिमल दिए हुए ये सारे डिजिट्स को लिख ले, 9, 6, 4, 5, 2, 3, 8 और यहाँ पे 5 0 हैं, इसलिए 5 डिजिट आगे की तरफ ले जाना। पहले 5 और 2 के बीच में था तो 1, 2, 3 यहाँ पे 3 ही डिजिट हैं, इसलिए 2 डिजिट और चाहिए और है नहीं, इसलिए 0 डाल देंगे और फिर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। तो ये आपका आंसर रहा। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9, 6, 4, 5, 2, 3, 8
0 0। डेसिमल पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं और बिना दिए हुए भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 7 3 2 1 डेसिमल पॉइंट 9 0 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देन 4 0s। तो ये डिजिट को आप बिना डेसिमल पॉइंट डाले हुए लिख लें, 7 3 2 1 9 0 2 3 4 5। 0 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और पहले 1 और 9 के बीच में था, तो 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल देना है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।